फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो जानना मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो पगलेट जो ट्रेलर आई थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था और अब रिलीज हो गई है, तो अब कैसा रिस्पांस आ रहा है आपसे जानना चाहूंगी। क्या कुछ रिस्पॉन्सेज आपके पास आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सबको। फिल्म बहुत अच्छी लग रही है और इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग, तो मजा आ रहा है कि सबको हमारी फिल्म जो इतनी सच्चाई और अच्छी फिल्म बनी है कि सबको अच्छी लग रही है फिल्म, तो अच्छा लग रहा है। वी आर एंजॉयिंग दिस मोमेंट। ओके, सो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले हैं पगलैट को लेकर आपको पर्सनली? सबको एक मेरा किरदार सबको पसंद आ रहा है और सबको ये लग रहा है कि इस किरदार में बहुत से ग्राफ थे, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आपके किरदार में ग्राफ थे, तो वो एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि कहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है और फिर वो कैसे बदलता है किरदार। तो ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स बहुत आ रहे हैं और ऑन द होल फिल्म भी बहुत अच्छी लग रही है। एक एक किरदार की तारीफ हो रही है, हर किसी चीज की उस फिल्म के बारे में, हर किसी चीज की तारीफ हो रही है, वेदर इट इज एक्टिंग और डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी। तो ऑन द होल सबको ही फिल्म अच्छी लग रही है। शायद ही कोई ऐसा होगा कि मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है कि जिसने फिल्म में कोई खामी निकाली हो। अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बात करूं, आपने अपने कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया शूट के दौरान? बहुत एंजॉय करा, बहुत एंजॉय करा डेफिनेटली। थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके यस बताती मैम। हूँ कि क्योंकि हमारे जो हमारा ब्रीफ था उमेश जी से, वो ये था कि हर चीज जो है एक सच्चाई से कही जा रही है, हम कहीं भी कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। आपको हंसी आ रही होगी लेकिन हम उस किरदार को, उस सीन को बहुत सच्चाई से कर रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि वो आपको हंसा रहा है, कि वो सीन आपको रुला रहा है। हम कहीं भी एफर्ट नहीं कर रहे थे कॉमेडी करने का, कि हम आपको हंसाने का एफर्ट नहीं कर रहे थे। अब जैसे मान लीजिए कि वो जादू वाला सीन है, जादू सॉरी, जहां वो उसकी नजर उतारती है, सॉरी गलती हो गई मुझसे सो जहां वो नजर उतारती है, तो लोगों को बड़ा उसमें कॉमेडी लगी, हंसी आई। लेकिन मैं जो ये किरदार था वो आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उस माँ की उस समय जो मानसिकता थी उसमें, उस समय जो वो गुजर रही थी कि पता नहीं नीचे वो सब कह रहे हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको घर ले जाओ। तो ये सारी चीजें हैं कि जरूर किसी ने इस पे टोटका कर दिया है तो मुझे नजर उतारनी चाहिए, जो वो हमेशा करती थी। वो कहती है ना कि जब मैं एग्जाम देने गई तो तुमने मेरी नजर, तो वो उसका हर माँ का होता है कि अच्छा जा रही है तो चलो चीनी दही खिला दो, नजर उतार दो, ये माओ का अपना एक रहता है। तो उसको वो अब वो तो एक नॉर्मल माँ की तरह ना उस परेशान है कि पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, बताओ, रो नहीं रही है, तो वो नजर उतार रही है। अब आपको हंसी आ रही है उस सीन में, तो ये हम कॉमेडी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। या जैसे वो एक सीन है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि संध्या के जो पिताजी बने कि भाई उसको घर ले चलते हैं, और मैं वो पजामे में नाड़ा डाल रही हूँ, तो कहती है कि पजामे में नाड़ा डाला नहीं जाता और बातें बड़ी बनवा लो। अब वो इतना छोटा सा एक सेंटेंस, पर लोगों को वो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो सच्चाई से कहावा था। ये नॉर्मल कहते हैं ना, मतलब हम भी घर में बातें बड़ी बड़ी बना लो, इतना ये हो नहीं रहा, तो इससे वो डायलॉग्स, तो स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन और कंप्लीट स्क्रिप्ट थी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा काम करके उमेश जी के साथ।
मैम, माओ का तो हमेशा से घर में नुस्खा रहता ही है कि दही चीनी खाकर जाओ, शुभ होता नहीं है ये सब। सो आप क्या लाइफ में करती हैं अपने आप किस तरह की माँ, ये सब मैं नुस्खा अप्लाई करती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं इन चीजों में एक्चुअली बिलीव नहीं करती हूँ. बट हाँ, मुझसे मिलके जाओ, हट करके जाओ. और मैं बस भगवान को ही मानती हूँ कि भाई बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें. लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती कि मैं नजर वजर उतारूं और ये हो गया है, वो हो गया है, नजर लगे. क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है पर्सनली, जितना आप इन चीजों में घुसते जाते हैं ना, और आपका दिमाग खराब ही होता है. तो मैं जरा इन चीजों से दूर रहती हूँ. बट ये मैम, संध्या की माँ थी. पगलैट पगलैट मूवी की अच्छी रिस्पांस आ रही है, जो ऑडियंस नहीं देखे उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कि क्या ऐसा 3 USP पॉइंट बताना चाहेंगे आप मूवी की? बहुत सारे यूएसपी पॉइंट्स हैं. एक तो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ना, घर में बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है इस समय ऐसी कोई चीज जो सच्चाई के पास हो, सच्चाई के करीब हो, वो देखी जाए, तो आपका मन भी थोड़ा सा वैसा ही होगा. तो क्योंकि बहुत सच्चाई के करीब है ये, और मुझे लगता है सच्ची ही है. उसमें जो पूरा पूरी जो फिल्म है, उसमें जो भी सीन्स हैं, जो भी किरदार हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती कोई किरदार ठूसा गया है. हर किरदार का अपना एक सच्चा इमोशन है. तो मुझे लगता है कि ये सबको जरूर देखनी चाहिए. आपको उसमें इमोशंस की जो लेयरिंग है, आप एक पल में आप हंसते हैं और तभी आपके आंखों में आंसू भी झलकने लगते हैं, और फिर आपको एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है. तो वो जक्स्टापोज़ पोजिशन ऑफ इमोशंस है, वो बेहतरीन है. सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, प्लस सानिया का काम लाजवाब है. एक्चुअली शी हैज आउटडन हर सेल्फ. तो और जो ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनसे आप लोग रिलेट कर पाएंगे, हर घर में एक ताऊ जी होंगे और इस तरह की कोई बुआ होंगी, दादी होंगी, नहीं तो वो बहुत सच्चे किरदार हैं जिनसे आप लोग रिलेट कर पाएंगे. तो बहुत प्यारी सी, सच्ची सी फिल्म है और लोगों को जरूर देखनी चाहिए. मैम, मूवी का नाम है, ये जो टाइटल है पगलैट, इसके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि ये टाइटल किस बेसिस पे रखा गया है, क्या कुछ सोच कर रखा गया है? हाँ, तो जो मुझे समझ में आता है, टाइटल तो खैर डायरेक्टर ने रखा है, कि वो कहते हैं ना, पागल हो गई है. जब वो मतलब पगलैट, पगला गए हो तुम भाई, तुम क्या पगला गए हो क्या, ऐसे आप ये शब्द यूज करते हैं ना. तो वो कि भाई जब वो अकल आ जाती है, तभी कहते हैं ना पगलैट हो गई है, तभी अकल आती है. यही सोच के शायद उन्होंने इसका नामकरण करा पगलैट, के पगला गई है, मतलब अब उसको अकल आ गई है. मैम, जिस तरह के आप रोल करती हैं, या फिर कोई एक मूवी में सपोर्टिंग एक्टर एक्ट करते हैं, सो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है उस मूवी के लिए आपके नजरिए से? मुझे लगता है इसी फिल्म का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि छोटे से छोटा कैरेक्टर भी उभर के आया है इस फिल्म में. कैरेक्टर एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी एक्टर एक फिल्म के लिए, कहानी को कहने के लिए, पर्दे पे उतारने के लिए, हर किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये कभी हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये किरदार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा तो एक ही सीन का है. उसमें एक गद्दे वाला है जो गद्दा लेकर आता है. आप वो सीन देखिए कि वो पहला ही सीन है, फिल्म शुरू ही हुई है और वो गद्दे लेकर आता है कि वो हमें, अरे वो डिस्काउंट तो हमने पहले ही दे दिया, पता था ना कि आपके यहाँ मौत हुई. तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है. अब वो बाप उसको, वो कितनी सच्चाई से आशुतोष राणा, उस उनके बिल्कुल कहते हैं ना कि मुंह में वो आ जाता है, कि वो फंदा सा पड़ जाता है गले में बोलते हुए कि हम डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं, मतलब बेटे की मौत हुई. तो वो छोटा सा एक कैरेक्टर है, एक ही सीन का है, ठीक है. लेकिन आप
उसको याद रखते हैं। तो मुझे लगता है ये अगर आप अपना काम सच्चाई से और अच्छी तरह करें तो चाहे एक ही सीन का किरदार हो वो लोगों को जरूर ध्यान में रहेगा। तो फिल्म की स्टार कास्ट तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? बहुत ही मतलब इतने बेहतरीन एक्टर्स के साथ हम लोग सब काम कर रहे थे। रघु भाई गाने गाते थे, हम लोग जब हमारे फैमिली सीन से तो हम लोग सब एक साथ बैठते थे तो उनके गाने सुनते थे हम लोग। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मजा आया सबके साथ पूरी टीम के साथ काम करके। तो और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आने वाले मैम? अब मैं क्या बताऊं आपसे कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक दो वेब सीरीज हैं जो मैं शूट कर चुकी हूँ। एक है माई, MAI, जिसमें साक्षी तन्वर लीड कर रही हैं एंड नेटफ्लिक्स के लिए है वो मैं शूट कर चुकी हूँ। प्लस एक वेब शो है बाबा ब्लैक शीप अमेजोन प्राइम के लिए, वो भी शूट कर चुकी हूँ। दो वेब सीरीज थी, एक मेड इन हेवन सीजन 2 जिसकी शूट शुरू ही हुई थी, मैंने एक ही दिन शूट करा और बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सब कुछ वो हो गया, अब शूट सब रद्द कर दी गई। एंड एक और शूट के लिए मुझे जाना था, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है, वो भी रद्द हो गई है। तो मुझे लगता है इस समय हम सबको घर में रहना चाहिए और ये शूट और सब ये सब होता रहेगा, बनती रहेंगी फिल्में, बनते रहेंगे वेब सीरीज। बस इस समय हम सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। राइट मैम, आपसे मैं एग्री करती हूँ। सो मैम, बिल्कुल। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, सो आपको कौन सा ऐसा कैरेक्टर पसंद है? आपको कॉमेडी वाला सीन पसंद है करना है या फिर एकदम सीरियस वाला सीन करना पसंद है आपको? ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सारे काम जो जो भी आप करते हैं, जो भी आप किरदार निभाते हैं वो अपनी पूरी सच्चाई से निभाते हैं और उसमें आप पूरा अपना मतलब मेहनत से करते हैं वो किरदार। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा किरदार, ये तो वो वाले हो गए ना, सभी आपके बच्चे हैं तो कौन सा बच्चा आपको बहुत पसंद है। क्योंकि अब आपने बहुत मेहनत से वो किरदार निभाया लेकिन वो फिल्म हिट नहीं हुई तो किसी ने देखा नहीं, ऐसा ऐसे ऐसा कई बार ही होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, पगलेट हमेशा मेरे दिल के नजदीक रहेगी क्योंकि बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही सुंदर फिल्म। कि क्या कुछ पगलेट से आपकी यादें रहेंगी हमेशा के लिए जो आपके दिल के करीब रहेंगी? यादें तो मुझे लगता है कि जब एक अच्छी फिल्म का या किसी भी अच्छे शो का आप हिस्सा बनते हैं ना तो उससे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, आप हमेशा उसको अपने नजदीक मानते हैं। दो आपने मेहनत करी और किरदारों पर भी, बट मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा हमने सब साथ में टाइम गुजारा सेट पर। उमेश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत इत्मीनान से काम किया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं थी, बहुत पीसफुल और हम सब टाइम पे सेट पे पहुंचने वाले। सिख्या प्रोडक्शन, गुनीत अच्छिन, दे हैव रियली टेकन केयर ऑफ अस, मतलब हाथों हाथ रखा है उन्होंने प्रोडक्शन ने। तो इट वाज अ जॉय टू बी ऑन द सेट एंड हमारे सिनेमाटोग्राफर राफी, व्हाट अ नाइस पर्सन, यू नो ऑन द सेट सबके साथ बहुत अच्छा रहा। शीबा, आशुतोष, रघु रघु भाई, सान्या, सान्या सच अ गिविंग एक्टर, व्हाट अ नाइस स्वीट पर्सन, यू नो बहुत ही अच्छी इंसान भी है। कलाकार तो है ही अच्छी लेकिन इंसान भी बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है एक कलाकार को अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है। सो मैम, जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर, और ऐसे भी क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप?
फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए क्योंकि आई थिंक यू आर मिसिंग आउट समथिंग नाइस एंड ब्यूटिफुल। वैसे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी फिल्में हैं, इतना सब कुछ है देखने के लिए, लेकिन ये छोटी सी अच्छी सी भली सी फिल्म है, इसे जरूर देखिए, मिस मत करिए। और बस यही कहूंगी कि घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। इस समय हम सबको स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तभी ये आगे सब बढ़ेगा। दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। और आप सबकी मतलब मेरी मनोकामना है कि सब लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।